खबरें हैं डिंडोरी की, जहां पर आए दिन स्कूल भवनों की खस्ता हाल और जर्जर भवन में स्कूल के संचालन की खबर प्रकाश में आती रही है। अब एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर गांव के सरपंच ने प्रशासन को आईना दिखाया है और स्कूल में बच्चों के लिए टेबल व बेंच दान की है। दरअसल जिले के माध्यमिक शाला पाटनगढ़ का ये पूरा मामला है, जहाँ करीब 60 बच्चे अध्ययनरत है और टाट पट्टी में बैठकर पढ़ाई करते थे। कई बार बारिश के कारण शीतांश के वजह से टाट पट्टी गीली हो जाती थी और स्कूली बच्चों को पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वहीं अब सरपंच की इस पहल से बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत पाटन के गढ़ सरपंच चंद्र विजय कुशराम ने अपने खुद के पैसे से करीब 62,000 रुपए खर्च करके 20 सेट टेबल और बेंच खरीद कर स्कूल को दान किया है। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र में भी नौनिहालों के लिए खेल सामग्री का ध्यान रिपीट इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र में भी नौनिहालों के लिए खेल सामग्री दान में दी है, जिससे बच्चों में खुशी का ठिकाना नहीं है और शिक्षक सहित गांव में सरपंच की जमकर तारीफ करते लोग नहीं थक रहे हैं। हम क्षेत्र में 15 पंचायत 15 गांव हमारे दुख प्रभावित क्षेत्र में आ रहे हैं, जिसे शासन ने निर्माण कार्य के लिए वंचित कर दिया है, इसलिए लगा दिया है जिसमें हम कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते। इसके संबंध में शासन के द्वारा सहमति मांगा जा रहा है, तो कल 16 अगस्त को अधिक से अधिक महिलाएं और पुरुष, गांव के सभी नागरिक ग्राम सभा में उपस्थित होना बहुत अनिवार्य है, जिसके संबंध में आप लोग बैठकर वहां प्रस्ताव पारित किया जाना है। तो आप